बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 और चैप्टर नंबर 1, एंड टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम के अंदर हम लोग कमेंट्स का सिंटैक्स देखेंगे एंड पर्पस देखेंगे। इससे पहले की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट दो आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं, रिवर्स वर्ल्ड एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देखें और उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखें ताकि आपको ये टॉपिक इजीली समझ आ जाए। चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो गाइस, आर्टिकल 1.2.3 पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट इन सी प्रोग्राम। अगर आपको मैं थोड़ा सा इसको जनरल बताता हूँ कि हमारे पास ये कमेंट्स क्या चीज़ होती है, इसको हम क्यों करते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। कमेंट्स बेसिकली गाइस इसलिए हम लोग करते हैं ताकि जो हमारा कोड है, जो भी स्टेटमेंट हमने लिखी हुई है उसकी लाइन के एंड के अंदर हम लोग कमेंट कर देते हैं कि यार ये जो लाइन है ये हमारा क्या काम कर रहा है। इसके लिए जो कमेंट होता है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है उस कोड या उस लाइन को। यहाँ पे भी हमने स्टार्ट में या एंड में कहीं भी कमेंट किया होगा। तो कमेंट्स जो है बेसिकली हमारे पास यही पर्पज़ होता है इसका कि हम लोग ये उसको एक तो डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर ये होता है कि दूसरा, अगर आप उसको कुछ टाइम के बाद जब ओपन करते हैं उस कोड को, अपने ही कोड को, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि यार इस कोड के अंदर, इस लाइन के अंदर मैंने क्या काम किया था। तो यही जो चीज़ होती है ये हमारे पास कमेंट होता है। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मली देख लेंगे, हमारे पास कमेंट्स क्या होता है, पर्पस भी देखेंगे और इसका सिंटैक्स भी देखेंगे। सो गाइस, कमेंट्स आर द स्टेटमेंट इन द प्रोग्रामिंग इन द प्रोग्राम डैट आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर एंड डू नॉट गेट एग्जीक्यूट। कमेंट जो होता है हमारे पास, ये जो स्टेटमेंट होती है प्रोग्राम के अंदर, ये जो कंपाइलर होता है इसके अंदर हमारे पास IDE के अंदर कंपाइलर हमने देखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देखें कंपाइलर हमारे पास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन वगैरह। तो कंपाइलर हमें क्या करता है कि वो इग्नोर करता है एंड उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होता। यूजली जो कमेंट्स आर रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज, जो कमेंट्स होता है वो हमारे पास एक नेचुरल लैंग्वेज के अंदर होता है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इन द ऑर्डर ऑफ प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर कोड। ये हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है क्योंकि हम लोग इसको नेशनल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं कि यार ये जो लाइन है ये हमारे पास क्या काम कर रही है, उस कोड को डिस्क्राइब कर रहा होता है जस्ट। उसके बाद हम देखते हैं जी पर्पस ऑफ राइटिंग कमेंट्स, पर्पस क्या होता है हमारे पास लिखने के कमेंट्स को। फर्स्ट जो पॉइंट है, दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड अवर कोड। कि अगर एक कोडर है, एक प्रोग्रामर है जिसने कोड को लिखा, प्रोग्राम बनाया, कोई और कोडर है जैसे किसी और को ये सेंड करता है अगर फाइल, तो उस कोड को, उस प्रोग्रामर को वो कोड समझ आए, उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं कमेंट्स कर देते हैं ताकि उसको इजीली क्या हो, अंडरस्टैंडिंग हो कि कोड के अंदर हो क्या रहा है। सेकंड पॉइंट इज दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर कोड इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ द राइटिंग इट। वी डू नॉट वांट दिस स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट बिकॉज इट मे कॉज सिंटैक्स एरर एज अ स्टेटमेंट आर राइटिंग इन नेचुरल लैंग्वेज। ये कह रहा है कि हमारे पास जो अंडरस्टैंड करने के लिए अपना ही कोड, कि अगर हम कुछ ईयर्स के बाद, कुछ सालों के बाद अगर अपना ही कोड जो है ना, जो लिखा होगा वो हम देखेंगे, तो उसको समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास कमेंट्स किया जाता है। और उसके अलावा ये जो कमेंट्स होता है ये हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होता, अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास सिंटैक्स एरर आएगा। ये हमारे पास दो जो पॉइंट्स होते हैं पर्पस के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए सिंटैक्स ऑफ राइटिंग कमेंट्स। अब सिंटैक्स क्या है, कैसे लिखते हैं हम लोग कमेंट्स। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स। कमेंट्स की दो टाइप्स होती हैं, एक सिंगल लाइन होती है, एक मल्टी लाइन होती है। ये थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके अंदर दो ही टाइप्स होंगी। सिंटैक्स चेंज हो सकता है लेकिन जो टाइप्स रहेंगी वो हमेशा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सिर्फ दो ही रहेंगी, सिर्फ आप ये याद रखें। सिंगल लाइन जो कमेंट होता है इसको हम कमेंट्स कैसे करते हैं, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट्स, इसको देखें तो कमेंट्स स्टार्ट विद डबल बैक स्लैश चलेंगे आप, एनी थिंग आफ्टर बैक स्लैश ऑन द सेम लाइन इज कनेक्टेड टू कमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल दिस बैक स्लैश दिस द कमेंट। अब मैंने यहाँ पे लिखा है दिस द कमेंट, ये हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक जनरल लैंग्वेज है इंग्लिश की वर्ल्ड में, इसकी जो स्टार्ट है उसमें मैंने बैक स्लैश डबल डाल दी है, तो ये जो लाइन है ये कमेंट हो चुकी है, ये लाइन कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जस्ट ये हमें नज़र आ रही है और ये इसके अंदर है कि ये जो लाइन है ये हमारे पास कमेंट हुई है और ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, ये हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कोड को, ये यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दिस इज द कमेंट। तो ये एक कमेंट है, ये हमें बता रहा है, ये लाइन हमें बता रही है, लेकिन कंपाइलर इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करेगा।
अब हमारे पास है जी मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट विथ बैक स्लैश एंड स्टार एंड एंड एट स्टार और बैक स्लैश एनीथिंग बिटवीन दिस। इन दो बैक स्लैशेस के दरमियान जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी सारी क्या हो जाएंगी, कमेंट्स हो जाएंगी। तो डबल जो होता है डबल लाइंस को या मोर देन वन लाइंस से उसको कमेंट करने के लिए बेसिकली आपका स्टार का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो स्टार होता है आप बैक स्लैश स्टार एंड उसके बीच में जितनी मर्जी लाइंस रखें और आगे स्टार डाल के और बैक स्लैश करेंगे तो आपकी सारी सारी लाइंस क्या होगी, मल्टी लाइंस कमेंट्स हो जाएंगी। नेक्स्ट आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू मैं समझाता जाऊँ। तुम्हारे पास जो फर्स्ट हुआ वो लिखा हुआ है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये हमारे पास हेडर फाइल होती है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारे पास जो लिखा हुआ है वही जो बैक स्लैश उसके बाद स्टार दिस प्रोग्राम डिस्प्ले आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑन द आउटपुट स्क्रीन, आगे उसने स्टार और बैक स्लैश डाला हुआ है। तो ये जो दो लाइन्स हैं एक लाइन से ऊपर है तो इसको हमने कमेंट किया हुआ है मल्टीपल लाइन के जरिए, और नीचे हमारे पास वाइट मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रही है, उसके अंदर हम देखें तो दो कमेंट किए हुए हैं हमने लाइन, एक स्टार्ट भी किया हुआ है एक एंड भी किया हुआ है। प्रिंट एफ इसके अंदर लिखा हुआ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सी क्लास 10, हम ये जो कोड है ये सिर्फ ये वाला कोड होगा हमारे पास रन सी है, ये वाला कोड हमारे पास सिर्फ रन होगा, लेकिन ऊपर जो कमेंट हुआ है वो सिंगल आए बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, अब ये बता रहा है कि जो बॉडी है हमारे पास मेन फंक्शन की वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन एंड हेयर, तो यहाँ पर जो बॉडी है वो हमारे पास फंक्शन की एंड हो रही है। तो ये जो दो कमेंट्स हुए हैं ये भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, जो ऊपर मल्टीपल लाइन हुई हुई है वो भी कमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगी, जस्ट जो एग्जीक्यूट होता होगा वो प्रिंट आई एम स्टूडेंट ऑफ 10 क्लास। तो ये हमारे पास सिर्फ आउटपुट में यही चीज़ हमेशा होगी कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। तो यही हमारे पास पर्पज़ होता है कमेंट करने का कि हम जो लाइन है या कोड है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं जो हमें खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोड के अंदर कि यार क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है कमेंट्स करने की किसी भी प्रोग्रामर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर एक डिटेल के अंदर देखेंगे हम लोग कैसे प्रोग्रामिंग को करते हैं रियल, उस पे टाइम पे हम लोग जाके डेव सी प्लस प्लस हम लोग यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, उस पे जाके देखेंगे कैसे हम लोग कवर करते हैं। तो आज के जो टॉपिक था वो हमारा यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।